मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत जी भी हमारे साथ में हैं। विजयपुर से विधायक थे कांग्रेस पार्टी से, और अब इस्तीफा दिया है इन्होंने विधानसभा में, और फिर से वहां पर उपचुनाव होंगे। अभी तो मंत्री भी बना दिया गया है, आपको सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। विभाग अभी तय नहीं हुआ है? विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी जब देना चाहें तब देंगे। लेकिन अभी उपचुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन दो पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, सीताराम आदिवासी जी और बाबूलाल मेवरा जी, इन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि हम टिकट के दावेदारी कर रहे हैं। वो उनका काम है, उनका भाई भी हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, वो कर रहे हैं तो करना चाहिए, कोई बुराई थोड़ी है। वो कह रहे हैं, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो आपको लगता है कि चुनाव जो है, अगर इन्होंने मोर्चा खोल दिया या बागी हुए या कांग्रेस में चले गए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव जनता जिताती है, जनता लड़ती है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला, उनके उनका अपना विचार है। लेकिन वो कह रहे हैं अपने वोट बैंक का हवाला दे करके कि अगर पार्टी भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में शामिल। उनका व्यक्ति किसी से बंधा हुआ नहीं है, उनकी निजी स्वतंत्रता है, उनका विचार है अपना। आखिर ये विरोध के स्वर उठने की वजह क्या है, जबकि आप तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं? नहीं, अब ये तो राजनीति में कौन व्यक्ति कैसे सोचता है कैसे नहीं सोचता, वो उनके ऊपर निर्भर है। वो तो इसी से पूछे ना, विरोध की वजह क्या है, मैं क्या बता सकता हूँ विरोध की वजह। लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के बाद तो ये तय हो गया है कि आप ही विजयपुर से प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी? तय करेगी।